किसी भी वजह से किसी छात्र पर हाथ उठाना ठीक नहीं है और अपनी लिमिट के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU में हुई हिंसा के बाद बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण विश्वविद्यालय पहुंची, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है जो लगातार जारी है। बॉलीवुड स्टार्स के साथ ही अब भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी इस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे हैं। भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन आम्रपाली दुबे ने भी एक लोकल चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि दीपिका पादुकोण के इस कदम की मैं दाद देती हूँ। उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा समय निकाला और JNU पहुंची। मैं भी उनकी फिल्म छपाक देखने भी जरूर जाऊंगी। दीपिका जी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा जो वो वहां पर गई और उन्होंने समय दिया। आम्रपाली ने कहा कि किसी भी कारण से किसी पर भी हाथ उठाना ठीक नहीं है। इसके बाद ही ये भी कि अपने दायरे के बाहर जाकर भी प्रदर्शन करना ठीक नहीं है। किसी भी वजह से किसी छात्र पर हाथ उठाना ठीक नहीं है और अपनी लिमिट के बाहर जाके प्रोटेस्ट करना भी गलत है। आम्रपाली दुबे के दीपिका पादुकोण के JNU में जाने वाले इस वीडियो को लहरे भोजपुरी YouTube चैनल पर पब्लिश किया गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भी उन्होंने निरहुआ के समर्थन में जमकर चुनाव प्रचार किया था और लोगों से उन्हें वोट देने की अपील की थी। आपको ये भी बता दें कि आम्रपाली दुबे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चनहर गांव की रहने वाली हैं और उन्होंने भवन कॉलेज मुंबई से स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह एक डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने अपने करियर को अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ाया। आम्रपाली दुबे ने TV सीरियल रहना है तेरी पलकों की छांव में सुमन के रूप में मुख्य भूमिका निभाई। फिर उन्हें 2014 में भोजपुरी सिनेमा में दिनेश लाल यादव की फिल्म निरहुआ रिक्शा वाला से प्रसिद्धि मिली। साल 2015 में उन्हें भोजपुरी इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स BIFA में फिल्म निरहुआ हिंदुस्तान के लिए सर्वश्रेष्ठ डेब्यू अभिनेत्री के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2017 में भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के इतिहास में पहली बार आम्रपाली दुबे